आज ही हम लोगों का प्लान बनाया जी, नथिया गली का और एबटाबाद तक हम लोगों ने ट्रैवल करना है। दोस्तों के साथ निकल रहे हैं, बल्कि निकले हुए हैं जी। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया और रात के 1:30 बज गए हैं जी। हम रोड पे हैं तो नथिया गली की तरफ निकल रहे हैं। दो गाड़ियां हैं जी, हम लोग 10 लोग जा रहे हैं। गेट टुगेदर है हमारा, जहाँ से हम नथिया गली और नथिया गली से फिर आगे इसी तरह बरस्ता रोड जो है वो एबटाबाद तक जाएंगे। जी तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट लिया जी नथिया गली से। रात को हम काफ़ी लेट पहुंचे हैं यहाँ पे। और नथिया गली में पीछे तो बर्फ़बारी वगैरह नहीं थी, यहाँ पे एक स्पेल हुआ है नथिया गली में 5-6 दिन पहले, तो वो अभी आपको रास्ते में दिखाएंगे। बल्कि नज़र आ रहा होगा आपको ये साइडों पे बर्फ़, रोड की साइड तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह जो पड़ी हुई है। जी ये अभी आप लोग बर्फ़ देख रहे हैं, ये सिर्फ नथिया गली तक ही हुई है, इससे आगे नहीं हुई। लेकिन आने वाले दिनों में प्रिडिक्शंस हैं कि कुछ दिनों तक बर्फ़बारी ठीक ठाक होगी यहाँ पे, स्नोफॉल। तो अभी हम लोग निकलेंगे आगे, तो हमारा जो ट्रैवल है ये काला बाग है जो पीक है, उससे बाद गलियात है, तो फिर उतराइए जी। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ जाएँगे, एबटाबाद की तरफ। तो देखिए चलते हैं। जी तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा जी कि आप लोग चक्कर लगाएं, टाइम निकालें अपने लिए और देखें कुदरत के नज़ारे। बहुत खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आएंगे, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और इसके बाद मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप, क्योंकि अभी स्नोफॉल का सीज़न शुरू होने लगा है, तो अब मरी तक ही आ सकेंगे। इससे आगे फिर नथिया गली और ये जो आगे के रास्ते हैं ये फिर ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैं तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि स्नोफॉल से पहले एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं इसमें।